हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रोफेशन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी भर्ती अपडेट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर इसके बारे में डेट्स बताई जा रही हैं, और मैंने भी आपको प्रेडिक्टेड डेट्स बताई थी जो मुझे जानकारी उस समय मिल रही थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था। तो यहाँ पर इसी के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि अभी तक, जैसा कि जुलाई का महीना है, आप लोग देख रहे होंगे, और लगभग ये एंडिंग है, जुलाई एंडिंग है, और अभी तक आपकी ये वैकेंसीज जो है नहीं आ पाई हैं। तो मैंने यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, तो यहाँ पर कुछ मुझे जानकारियाँ मिलकर निकल कर आ रही हैं हमारे सामने, जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता ये जानकारी 100% सत्य हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इन जानकारियों में कहीं ना कहीं सत्यता हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ये आर ओ की भर्ती हैं, यानी कि समीक्षा अधिकारी की जो भर्तियाँ हैं, ये कब तक आने के चांसेज यहाँ पर हैं, और ये कब तक आ सकती हैं, और लगभग कितनी वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली हैं। तो इस वीडियो में अंत तक आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ यानी कि रिव्यू ऑफिसर समीक्षा अधिकारी के बारे में, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके पहले ए आर ओ की जो भर्तियाँ हैं वो हो चुकी हैं, उनकी कट ऑफ्स भी क्लियर किए जा चुके हैं। तो जो लोग यहाँ पर चूक गए हैं, जिनका सिलेक्शन फाइनल तक नहीं हो पाया है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आने वाली है। और ये जो आपका वैकेंसीज़ हैं, ये मिड अगस्त यानी कि 15 अगस्त के आसपास यहाँ पर वैकेंसीज़ आने के चांसेस हैं, ऐसी यहाँ पर जो है जानकारी हमें अभी तक प्राप्त हो रही है। तो इस प्राप्त जानकारी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो इसकी वैकेंसीज़ हैं, ये लगभग 15 यानी कि सेकेंड वीक में आने के पूरी चांसेज़ है, अगस्त सेकेंड वीक। ठीक है, जुलाई में तो ये वैकेंसीज़ नहीं आनी, अब अगस्त सेकेंड वीक में आने के यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं, ऐसी मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है। और अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये कितनी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, तो दोस्तों जो मुझे जानकारी अभी हाल ही में प्राप्त हो रही है, इस जानकारी के अकॉर्डिंग ये जो वैकेंसीज़ हैं 133 से 140 के आसपास यहाँ पर आने के चांसेस हैं। जी हाँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो वैकेंसीज़ हैं ये 133 से लेकर 140 के आसपास आने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती हो सकती है, अगर आप इससे संबंधित कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आपने इलाहाबाद एआरओ की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की थी, बहुत लगन के साथ की, लेकिन आपको सफलता नहीं मिली, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, और ये उससे बेटर जॉब है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग इसके लिए अभी से प्रिपेयर कर लें अपने आप को, क्योंकि ये वैकेंसीज़ आनी तो ही है, हो सकता है कुछ डेट्स में चेंजेस हो जाएं, लेकिन ये भर्ती आनी है, तो क्यों ना हम अभी से इसके लिए प्रिपेयर करें अपने आप को, ताकि एक अच्छा रिज़ल्ट दे सकें। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े रहेंगे, अगर इससे संबंधित भर्ती आती है, यानी कि समीक्षा अधिकारी आर ओ की भर्ती जब भी आती है, तो हम उससे संबंधित आपको क्विजेस कराएंगे, जिसमें बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन तीन सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इन तीन सब्जेक्ट के जो अच्छे क्वेश्चन हैं, आईएसपी सेस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, उनसे संबंधित जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, वो सारी क्विजेस हम लोग करेंगे। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर आपको अच्छा मटेरियल मिलने वाला है, आप लोग खुद देख सकेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट। इस तरह की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।